वैसे तो ये खेतों की पगडंडियां हैं, लेकिन राजनीति की पगडंडी भी इसी तरह टेढ़ी मेढ़ी होती है और इस पर चलकर सीधी और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। और बात चुनाव की हो तो निष्पक्ष खबरें और निष्पक्ष विश्लेषण आप तक त्वरित गति से पहुंचाता है प्रभा साक्षी, ताकि आप खबरों से रूबरू भी रहें और हर मुद्दे के प्रति जागरूक भी रहें। इस वक्त हम लखनऊ के सरोजी नगर विधानसभा में हैं, जहां पर एक रैली का आयोजन किया गया है, एक रैली जनसभा का आयोजन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की रैली है। एक नज़ारा मैं दिखाना चाहूँगा। ये भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं जो अपने प्रत्याशी यानी राजेश्वर सिंह को जिताने के लिए पूरी जोरों से ताकत लगाए हुए हैं। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के कई पुराने वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे इस विषय में बात करते हैं। मैम, राजेश्वर जी की जनसभा हो रही है यहाँ पर, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, क्या लगता है सरोजी नगर जो वार्ड उनको प्रत्याशी चुना गया है, क्या इनके लिए क्या फायदेमंद होगा? बिल्कुल बिल्कुल फायदेमंद है यहाँ पे, और हमारे राजेश्वर भैया जो है 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत करके आएंगे यहाँ पे, और एक रिकॉर्ड बनेगा हमारे सरोजी नगर विधानसभा का। और क्योंकि हमारे यहाँ महिला मोर्चा जितना पुरुष लगा है, शायद उससे ज्यादा हमारा महिला मोर्चा लगा हुआ है राजेश्वर जी के चुनाव को जिताने के लिए। अच्छा, एक बात कही जा रही है विधानसभा के लोग कि राजेश्वर जी IAS रहे हैं, जनता के बीच कभी आए नहीं, बड़े अधिकारी रहे हैं, क्या वो जनता की मन की बात सुन पाएंगे, उनके जो छोटी छोटी समस्या है उनका समाधान कर पाएंगे? जी बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि हमारे राजेश्वर भैया यहीं के रहने वाले हैं, लखनऊ के ही रहने वाले हैं, यहीं पे उन्होंने पढ़ा है, यहीं पे सारी पढ़ाई अपनी पूरी करी है, यहीं पे उनका पूरा परिवार है। तो हमारा मानना है वो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जरूर हम लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और पूरी भी करेंगे। क्या लगता है BJP को कितना हद तक यहाँ पे UP में साथ मिलने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इतना ज्यादा विकास किया प्रदेश में, चाहे वार्डों का, चाहे गाँव का हो, चाहे विधानसभा में, चाहे लोकसभा में हो, हर एंगल से हर दिशा में हर व्यक्ति का विकास किया है। हम लोग विकास के मुद्दों को अपने जनता के बीच लेके जा रहे हैं। जो आप इतनी भीड़ देख रहे हैं, 400-500 लोग हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री के विचारों को इसलिए सुनने आए कि माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश में, उनके सरकार में, उनके छत्रछाया में प्रदेश का विकास हुआ है, वार्डों का विकास हुआ है, विधानसभा में विकास हुआ है। इसलिए हम लोग भारी दलबल के साथ अपने प्रत्याशी श्री राजेश्वर सिंह जी को करीब करीब 1 लाख वोटों से जिताएंगे। सारी पार्टियां चुनावी रैली कर रही हैं, सारी पार्टियां कर रही हैं, चाहे वो BJP हो, सपा हो, कांग्रेस हो, तो चुनावी रैली का कितना फ़ायदा हर पार्टी को मिलेगा और भाजपा को मिलेगा? चुनावी रैलियों का तो फ़ायदा हम लोगों को होगा ही, मगर हमारे जो नरेंद्र मोदी जी की जितनी योजनाओं का फ़ायदा है वो हमें लग रहा है ज़्यादा होगा। चुनावी रैलियाँ तो होती चुनाव में की जाती है वोटर्स को लुभाने या जताने के लिए। मैं तो ये मानती हूँ कि शायद रैलियों से ज़्यादा रैली से चुनाव आपका जो योजनाएं हैं वो ज़्यादा चुनाव प्रभाव। यहाँ पर हमें कुछ बुजुर्ग भी काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, बुजुर्गों से हम बात करते हैं कि क्या दादा यहाँ ये क्या नाम है आपका? हमारा रामेश्वर। रामेश्वर जी, दादा ये बताइए BJP चुनाव में जीत पाएगी या नहीं, पहले ये बता दीजिए। हाँ, उम्मीद है जीत जाएगी। तो क्यों जीत पाएगी, कुछ उनकी योजना बता सकते हैं आप लोग कि क्यों जीत पाएगी, उनकी कुछ योजनाओं के बारे में? जैसे अगर हम आपसे अगर बात करें योजनाओं को लेकर, समाजवादी पार्टी भी कहती है कि हमारी सारी योजनाएं BJP ने चुरा ली हैं, हमारे नाम से सब काम कर रही हैं, तो क्या कुछ खास योजनाएं हैं यहाँ पे सरोजी नगर वार्ड के लिए जो कि उनको राजेश्वर जी को जीत में हासिल मिलेगी? देखिए, हमारे यहाँ हमारे मोदी जी ने हमारे महिलाओं के नाम से पूरी कॉलोनियाँ दी हैं। एक तो कभी नहीं रहा आपके सपा सरकार या कोई भी गवर्नमेंट रही हो, कभी भी नहीं रहा। जितनी भी महिलाओं के नाम से कॉलोनियाँ दी गई, महिलाओं के नाम से आपका शौचालय दिया गया, महिलाओं के नाम से ही राशन कार्ड भी बनवाया है हमारी गवर्नमेंट ने, किसी भी गवर्नमेंट में ये चीज़ नहीं रही है। तो हम सिलेंडर भी महिलाओं के नाम से मिला, तो हमारी मोदी सरकार ने महिलाओं को आगे कर करके और पूरे प्रदेश में जो ये अपना वर्चस्व बनाया है, शायद हमारा वर्चस्व हमेशा कायम रहेगा। अच्छा, ये देख सकते हैं पीछे साइड में, ये वो नज़ारा है जो कि BJP के समर्थन में उतरे हुए हैं और प्रत्याशी राजेश्वर सिंह को जीतने के लिए, जिताने के लिए ये पूरे नज़ारा यहाँ देखा जा रहा है, जिसमें कई महिलाएं भी मौजूद हैं, बुजुर्ग भी मौजूद हैं, वरिष्ठ जितने भी यहाँ पर अधिक जो प्रत्याशी कर्मचारी या चुनावी आते वो भी सब मौजूद हैं यहाँ पर। और कुछ बता सकते हैं आप BJP के लिए क्यों इतना BJP का सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों? BJP में गुंडागर्दी खत्म हो गई, पहली बात ये। दूसरी चीज़, हम लोगों को अच्छी सुविधा मिल रही, कॉलोनियाँ मिल रही,
सड़क मिल रही, नाली सब चीज मिल रही, तो बीजेपी क्या बढ़िया काम कर रही बीजेपी में? ये तो बात सही है कि गुंडागर्दी खत्म हो गई है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि गुंडागर्दी नहीं बीजेपी की, ये मनमानी है। और भी कोई मैं किसी से बात करूं तो बता सकते हैं बीजेपी का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं आप लोग, क्यों बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं? बीजेपी का सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं, गुंडागिरी खत्म कर दिया है श्री योगी जी नाथ ने, और हमारे महिलाओं को भय मुक्त हो गए हैं और आज रोडों पे आराम से जा रही हैं, चाहे 24 घंटे बराबर कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और जो हमारे भाई लोग पिछड़े लोग थे उनका आवास योगी जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है और उनके हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और शौचालय हमारी बहनें बाहर जाती थी, हमारी बहनों को शौचालय प्राप्त हुआ है, लकड़ी से बच गई हैं। हमारे जो सरकार है सपा की थी, हमारी बहनें जब लकड़ी लेने जाती थी उनको जो है ज़बरदस्ती उनको गलत इन्वाइट किया जाता था उनको, और ये सब समस्याएं से हम लोग बीजेपी को जिताने के लिए कितना इसमें जोश है ये आप देख सकते हैं कि इनके नारेबाजी से लगता है, जिसके अंदर जोश देख सकते हैं। ये बीजेपी के वो कार्यकर्ता है जो कि लगातार बीजेपी को जिताने की कोशिश कर रहे हैं, राजेश्वर जो कि यहाँ पे सरोज नगर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हैं। आप देख सकते इनके नारेबाजी से आप देख सकते हैं इनके अंदर जो जोश है वो कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये जो जनसभा जन रैली है, चुनावी रैली है, इस चुनावी रैली में कई लोग मौजूद हैं। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, सरोजनी नगर में ये भी कहा जाता है सरोजनी नगर में जो अभी वर्तमान में मंत्री रही हैं उन्होंने कुछ खास काम किया नहीं है, तो कैसे सरोजनी नगर को आप अपने फेवर में करेंगे? भाई देखिए, हमारी मंत्री जी को मैं ये नहीं कहूँगी कि खास काम नहीं किया, बहुत सारे काम हुए हैं हमारे यहाँ, बहुत सारे काम हुए हैं, कामों की गणना तो करने लगे तो बहुत लंबी लिस्ट है। बस ये है कि हमारे सरोजनी नगर क्षेत्र को एक विधायक चाहिए, मंत्री अभी यहाँ पर बहुत सालों बाद यहाँ पे सरोजनी नगर विधायक मिला हुआ है बीजेपी का, तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमें विधायक मिले एक, तो और वो मंत्री बना दी गई इसलिए उनका दायरा बहुत बढ़ गया, शायद इसीलिए लोग जो भी नाराज हुए जो भी हुआ। बाकी आप क्या कहेंगे? देखिए माननीय मंत्री स्वाति सिंह ने बहुत सारे काम कराए हैं, मंत्री इसलिए होता है कि विधानसभा में जाकर के जनता की समस्याओं को रखे और शासन से उसका पैसा आता है। माननीय मंत्री ने ढेर सारे काम कराए, मेरे वार्ड सरोजनी प्रथम में करीब 150 रोडें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय मंत्री के आशीर्वाद से ही बनी है। अमौसी गाँव की रोड जो 40 वर्षों से सपा कांग्रेस बसपा ने नहीं बनवाई वो माननीय मंत्री जी के द्वारा उसका निर्माण कार्य जारी है, उस पर 150 करोड़ रुपये स्वीकृत हुआ है। माननीय मंत्री ने विधानसभा में सरोजनगर विधानसभा में करीब करीब लोक निर्माण विभाग से 100 से ज़्यादा रोडों का निर्माण कराया है, इसलिए हम ये जानते हैं कि हमारी सरकार में अच्छे काम हुए, जनहित में काम हुए हैं, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे आवासीय योजना हो या जो भी हो, सड़क हैं, रोड हैं, पार्क हैं, जो भी हो, सारे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए। और माननीय मंत्री स्वाति का हम धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं, उनका कार्यकाल बहुत शानदार रहा है। कहते हैं 50 साल का कोढ़ 50 साल का मैला 5 साल में नहीं धुल सकता है, इसलिए हम लोग दोबारा राजेश्वर सिंह जी को अपना विधायक बनाएंगे और योगी जी से कहना भी चाहेंगे यहाँ से ये विधायक बने, वहाँ उनको कैबिनेट में शामिल करके इस विधानसभा का विकास कराया जाए। बिल्कुल सही कहा। तो ये बीजेपी की ये वो वर्चस्व है जो राजेश्वर जी को जिताने की पूरी मुहिम बनाए हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभा साक्षी, लखनऊ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।